everything is run. Because of gravity of the earth is the force by which the earth pulls all objects on it towards itself. The force hai jo gravity ka, earth ki gravity ka, wo pull karta hai sare objects ko apni taraf earth ko. The atmosphere extends up to about 1000 kilometers of water. So let's start. On water and its importance. Water is an essential natural resource that our nature provided. It is very important for the survival of all living things. The Earth is only planet where water is available. About 3/4 of its surface is covered with water. That's why Earth is called Blue Planet. But about 97% of Earth's water is present in seas and oceans. In addition to the problem, we may not realize it, but we should draw a drawing. I am going to present a presentation on balanced diet and importance of exercise. So let's start on balanced diet and the importance of exercise. It makes us healthy and fit. First, introduction of balanced diet. What is balanced diet? A diet containing all the nutrients in adequate quantities is called balanced diet. Aisa diet jisme sare nutrients jiski hame jitni zarurat hai उतनी क्वांटिटी में हो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फाइव न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स. और ये फाइव न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है जिसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स कहते हैं. एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम डैट आवर बॉडी रिक्वायर 30% fruits and vegetables, 35% carbohydrates, 10% milk and milk products, 5% junk food, sweets and 20% protein. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे बॉडी को 30% फ्रूट और वेजिटेबल की ज़रूरत है, 35% कार्बोहाइड्रेट की, 10% मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की और हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग होता है. इट वराइज विथ एज सेक्स एंड टाइप्स ऑफ वर्क. और ये एज और टाइप ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है. अ ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर्स मोर प्रोटीन रिच होते हैं तो लेबर को उन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत होती है. By having balanced diet, we can study better at any place, school and home. अगर हम लोग balanced diet को follow करेंगे तो हम लोग कहीं भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे school और home. Lack of healthy food can cause diseases. अगर हम लोग सिर्फ junk food खाएंगे, healthy food नहीं खाएंगे तो उससे हमें बहुत सारी diseases हो सकती है. If we want to live a healthy and disease-free life, we have to eat different types of vegetables and fruits. अगर हमें हेल्दी और डिलीट फ्री लाइफ चाहिए तो हमें अलग तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. जितने भी अनाज है वो खाने चाहिए. मीट, फिश, एग, मिल्क वो सब भी खाना चाहिए. हेल्दी बैलेंस डाइट हेल्प टू मेंटेन बॉडी वेट. और बैलेंस डाइट हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. तो टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ इम्पॉर्टेंट होता है. एक्सरसाइज इज गुड फॉर अवर बॉडी माइंड एंड सोल. और एक्सरसाइज हमारे बॉडी माइंड और सोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वी ऑल्सो हैव टू रनिंग साइकिलिंग एंड स्विमिंग एज दे आर गुड एक्सरसाइजेज. और हमें रनिंग साइकिलिंग और स्विमिंग भी करना चाहिए. सभी एक एक्सरसाइज के ही फॉर्म है. वी डोंट हैव टू डू एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर ईटिंग. और हमें खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बाकी हम दिन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक्सरसाइज जी लेवल, इट मेक्स अस हैप्पियर, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज सर्कुलेशन.